तो गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक अभय में। गाइस आज हम बात करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन या फिर कहें तो साउंड टू टेक्स्ट कन्वर्जन में। जी हाँ गाइस, जब हम गूगल वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो माइक्रोफोन का बटन होता है वहाँ पे हम क्लिक करके कुछ भी बोलते हैं तो उसका सर्च हमें ऑप्शन दिखता है, मतलब हमारी स्पीच जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो गाइस क्या आपको पता है वो काम कैसे करती है? तो बने रहिए इस वीडियो में, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो स्पीच रिकॉग्निशन है वहाँ पे यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का भी। और सबसे मेन चीज़ गाइस NLP, जी हाँ गाइस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है बट पूरी तरह से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का हिस्सा नहीं है। तो गाइस ज़्यादा ना पकाते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ कि काम कैसे करता है। तो गाइस मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे, तो कन्वर्ट कैसे होगा? तो गाइस वहाँ पे एक मशीन होता है जो ह्यूमंस की तरह एक्ट करता है, मतलब वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो गाइस जो भी हम बोल रहे हैं, जो वेव्स है वो मशीन में जाता है और वहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होता है। जी गाइस जो हमारा वेव्स है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो भी मशीन होता है उसको नंबर्स की भाषा ही समझ में आती है। और गाइस मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ जो स्टोर होती है कंप्यूटर में वो बाइनरी नंबर में स्टोर होती है, चाहे वो फोटो हो या फिर नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट हो या कुछ भी हो, वो बाइनरी नंबर्स में स्टोर होती है, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर होती है। तो गाइस यहाँ पे जो NLP है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज है स्पीच रिकॉग्निशन में, तो गाइस यहाँ पे जो भी डेटा जाता है पहले उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसका नाउन फॉर्म या फिर एडजेक्टिव सब देखता है, फिर उसका मीनिंग स्टोर करता है और फिर हमारा डेटा फाइनली टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। गाइस ये जो स्पीच रिकॉग्निशन है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आज का आपने सबसे स्मार्ट डिवाइस देखा होगा, एलेक्सा या फिर सीरी वगैरह आपने सब देखा होगा, जहाँ पे हम बोलते हैं और वो कन्वर्ट कर देता है स्पीच को टेक्स्ट में, या फिर वो अंडरस्टैंड करता है कि हमें कौन सा गाना वगैरह सुनना है। और आपने गूगल असिस्टेंट भी देखा होगा अपने फ़ोन वगैरह में, वहाँ पे हम कुछ भी बोलते हैं तो वो सेट वगैरह कर लेता है अपने आप। तो गाइस वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और सबसे ज़्यादा इनमें से NLP जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट है उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो गाइस आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी हम बोलते हैं वो हर एक चीज़ ब्रेक डाउन, मतलब वेव के फॉर्म में होता है, फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है, मतलब जो हमारा PC है या फिर कोई भी डिवाइस है स्पीच रिकॉग्नाइज जो कर रहा है, वो हमारे वेव्स को ब्रेक डाउन करता है पहले, फिर उसका जो मीनिंग निकालता है, मतलब गाइस पहले से जो मीनिंग स्टोर रहता है या फिर ऑनलाइन वगैरह डिक्शनरी पे उसका मीनिंग निकालता है वहाँ से, और फिर हमारे स्पीच को वो पुट करता है, अगर हम कुछ गलत बोल रहे तो उसको भी वो करेक्ट करके निकालता है। तो गाइस आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और NLP का। अगर जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ कि जो फ्यूचर है पूरा AI है वगैरह ही है। तो गाइस आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।